फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ शिव दीक्षित। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 7, एक्सरसाइज 2C एंड 2D। ओके, सो फर्स्टली एक्सरसाइज 2C, क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ। व्हाट इज रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल मीन्स चेंजिंग द न्यूमरेटर टू इट्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू इट्स न्यूमरेटर। इट मीन्स रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि उसके न्यूमरेटर को जो फ्रैक्शन गिवन है उसको हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे और डिनोमिनेटर को चेंज करके न्यूमरेटर पे लिखेंगे। ठीक है, यानी उल्टा कर देते हैं। जैसे आपको 5/8 का कोई रेसिप्रोकल पूछे तो इसका मतलब हो जाएगा 8/5, यानी जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज 8/5। अगेन रेसिप्रोकल ऑफ 7 इज, अब 7 का मतलब होता है 7/1, तो रिवर्स होकर 1/7 हो जाएगा। ठीक है, अब रेसिप्रोकल ऑफ 1/12 इज, अब यहाँ पे 1/12 तो इसको न्यूमरेटर करेंगे तो हो जाएगा 12/1, यानी कि नॉर्मली 12। ओके, अब इसको करेंगे तो देखो 12/5 = 60 एंड 3 = 63/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/63। ओके, इस तरह से हम कर सकते हैं रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का। अब सिंप्लीफाई देखिए, सिंप्लीफाई में अगर आपको डिवीजन का साइन दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 4/7 / 9/14, तो इसको आप नॉर्मली 4/7 × का सिंबल दे दो और इनको कन्वर्ट कर दो, इनको रेसिप्रोकेट कर दो और ये लिख दो 14/9। इसको सॉल्व कर लो, 7 × 2 = 14, ये हो जाएगा 8/9। ओके, इस तरह से आपका आंसर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए तो 8/9 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, फिर 7/10 / 3/5, तो आप इंटू 5/3 कर लो और इसको सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 है, यानी 16/1 है मान लो, तो इंटू करके क्या हो जाएगा 1/16, इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको फिर वही है, डिवाइड 11/24 / 7/8, तो यही हो जाएगा 11/24 × 8/7, आप कर लो 8 × 3 = 24, यानी 88/21 है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 88/21 आप देख सकते हैं यहाँ पे, डेट इज 88, 8 × 3 = 24, देन सॉरी 11 हो जाएगा बिकॉज 8 तो कैंसिल है, देन 11/21। ओके, अगेन इसको भी हम कर सकते हैं, देखो 8 × 6 = 54 and 7 कितना होता है, 54 and 7 होता है आपका कितना, देख लो 8 × 6 = 48, 48 और 8 × 6 = 48 और 7 = 55, देन 55/8 / 11/16 है, तो इसको इंटू 6 में हम लिख सकते हैं 16/11 और उसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही हम कर सकते हैं। अब फिर आपका प्रॉब्लम वर्ड पे आ गया, तो देखिए वर्ड बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको पिछले वीडियो से कराते आ रहा हूँ, इसमें आपको लैंग्वेज को समझना है और लैंग्वेज बना करके उसको एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्ट जो है वो फॉलो करना है, आपको सिक्वेंस फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, सभी क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे। ए रोप ऑफ लेंथ गिवेन मीटर हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 9 pieces ऑफ सेम लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, ये यूनिटरी मेथड है। ओके, अब आपको इतने मीटर को 9 parts में डिवाइड किया जा रहा है जिनके सेम लेंथ है, इक्वल लेंथ है, तो ईच पीस का लेंथ पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 26/127/2 meters और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 9 से, तो डिवाइड करेंगे 9 से तो रियल में क्या हो जाएगा 72/2 × 1/9, इसको सॉल्व कर लेंगे 9 × 3 = 3/2 meters हर पीस हो जाएगा लेंथ में। ठीक है, तो देखो टोटल लेंथ ऑफ रोप गिवन, फिर नंबर ऑफ पीसेस 9, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पीस 27/9, यानी 27 × 1/9, सॉल्व किया आंसर आ गया। ठीक है, फिर 18 boxes ऑफ नेल्स वेट इक्वली एंड देयर टोटल वेट गिवन, हाउ मच डज ईच बॉक्स वेट, यानी 18 boxes हैं नेल मिस कांटी के, कोई कील है, ठीक है, टोटल वेट गिवन है तो ईच का वेट पूछ रहा है, फिर डिवाइड कर देंगे इसको, इसको 1/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 6, बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ पर ऑरेंज अ मैन गेट्स इतना, हाउ मेनी ऑरेंज डज ही सेल। ओके, अब पूछ रहा है बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट, यानी एक ऑरेंज को इतने पे बेच रहा है, टोटल इतने अर्न किया तो कितने ऑरेंज सेल किया, फिर डिवाइड करेंगे इसको, तो आप लैंग्वेज बनाओ और डिवाइड करो इस तरह से, इसमें जितने भी क्वेश्चंस गिवन है आप इसको केयरफुली ऑब्जॉर्व कीजिए पहले और लैंग्वेज बना करके आप डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और अगर आपको उसमें जैसे कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करो, पूछो, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। जैसे एक क्वेश्चन में 12 देखते हैं ज़रा, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज अ पिकनिक, ओके, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड 261
होल वन बाई टू द टोटल कंट्रीब्यूशन वॉज गिवेन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप। अब फिर पूछ रहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप, एक स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन इतना है, टोटल कंट्रीब्यूशन इतना हुआ, तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए कंट्रीब्यूशन बाई ईच स्टूडेंट, ए हो गया आपका आर एस में, यहाँ पर आपको यूनिट नहीं छोड़ना है, टोटल कंट्रीब्यूशन ए हुआ, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, और ये आपको पता है डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा करके, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 में देखते हैं अगर, तो 24 लीटर ऑफ मिल्क वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, इफ ईच स्टूडेंट गॉट इतना लीटर ऑफ मिल्क गॉट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल। अब टोटल 24 लीटर मिल्क है, हर स्टूडेंट इतने पा रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट वही हो गया, टोटल क्वान्टिटी ऑफ मिल्क गिवेन एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क, हर स्टूडेंट कितने पाए, क्वांटिटी इतने, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे और आंसर लाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस फ्लो में हम सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। नंबर 14 जरा अगर देखें हम क्वेश्चन को, तो अ बकेट कंटेंस 20 होल 1/4 लीटर ऑफ वाटर, ए स्मॉल जग हैज ए कैपेसिटी ऑफ 3/4 लीटर, हाउ मेनी टाइम्स द जग हैज टू फिल द वाटर फ्रॉम द बकेट टू गेट इट एम्प्टीड। ओके, इट मीन्स आपको क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि कोई बकेट है, ठीक है, जो कि गिवेन अमाउंट ऑफ वाटर को कंटेन करता है, एक स्मॉल जग है जिसकी कैपेसिटी 3/4 लीटर है। अब पूछ रहा है कि कितनी बार उस जग से पानी निकाला जाए, हाउ मेनी टाइम्स द जग हैज़ टू बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम द बकेट टू गेट इट एम्प्टी, कि वो हमारा जो बकेट है वो एम्प्टी हो जाए। तो फिर वही प्रोसेस, क्वान्टिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन बकेट गिवेन है आपको, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन जग ये भी गिवेन है, तो नंबर ऑफ जग्स इज फिल, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यूनिट यहाँ पे लीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में लीटर दिया, इसलिए यहाँ पे लीटर लिखोगे, L4 लीटर। ओके, तो सेम पैटर्न पे आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ये क्या है नॉर्मली डिवीजन, आप लोअर क्लासेस में किए हैं इनको, ठीक है। अब बनाओ, जो डाउट हो पूछना, मैं सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू।